अरे यार मोदी चचा बचा लो, अरे बाप रे, अरे मोनी से बचा लो मोदी चचा। अरे हमसे गलती हो गई यार, हमसे मुंह से एक वर्ड का निकली गलत कि बाहर निकालो बाहर। अरे यार सब हमारे पीछे पड़ गए हैं, बता दे नंगा करके पूरे खेत में दौड़ा रहा है, अरे इतना मोटा सिरिंज लेके पीछे पड़ गया है, बता यार हम गा करे मोदी चचा यार बचा लो रे बाप। अरे मोदी चचा, अरे पकड़े रहिएगा कि बुढ़ा सनक गया है, बता दे यार मताओ बहनों के ऐसे ऐसे बात कह रहा है, ये बुढ़ा सनक गया है। ये सनकी वाली हम सुई पता है, स्पेशल रांची से लेकर है, रांची से भाई साहब इसके पिछवाड़े में जब डालेंगे ना तो अपने करंट के झटका लगेगी, जब करंट के झटका लगेगी तो भाई साहब के दिमाग ठिकाने पे आ जाएगी। अरे हाँ हाँ मनीष सर बिल्कुल सही किए हो भाई साहब, अरे ये तो हम सोच ही रहे थे कि इसको पिछवाड़े में डलवाना पड़ेगा पगलपंती वाली सुई। भाई साहब लेके आ गए हो, अब लुल्ल बना के ढुल कर दो इनके। भाई साहब ऐसा ऐसा बात करते हैं जाके यार, गजब यार भाई साहब, ऐसा कैसे बोल लेते हो भाई नीतीश, ऐसा कैसे बोल लेते हो? अरे यार मोदी चचा यार का बताए, अरे यार धोखा से निकल गया यार मुंह से, यार हम बोलना चाहते नहीं थे, कुछ और समझना चाहते थे यार, अब उल्टा सीधे बात यार मुंह से निकल ही गई। यार ये बताओ, एक तीर से निकला हुआ, सॉरी एक कमान से निकला हुआ तीर और बंदूक से चली हुई गोली या मुंह की बोली, भैया बात बराबर होती है, पता यार एक बार जब बोल दिया था हम क्या करें, कितना माफी मांगे, हर मताओ बहने के पैर पे अपना नाक कर रख रहे, कोई नहीं माफ कर रही है, भाई साहब तुम लोग तो माफ कर दो। भाई साहब मताओ बहनो तो माफ कर देगी लेकिन हम नहीं करेंगे, क्योंकि भाई साहब हमको गुस्सा भी उतारना है, तुम लोग हमें जेल भेजे थे ना, अब आ गए हैं, अब लो पंगा तो बजा देंगे सभी का डंगा। भाई साहब उल्लंग खलंग अब कुछ नहीं चलने वाला है बिहार में, बिहार में अब आतंक मचेगी आतंक। अरे भैया मनीष, भैया मशीन मनीष, भाई साहब आतंक नहीं मचाना है, शांति से रहो शांति से, नहीं तो हम ऐसा कांड करेंगे ना कि आतंक मचाने लायक कोनो तुम बचोगे नहीं।